राम राम दोस्तों, थे देख रहे हो किसान फोक्स चैनल। माननीय मंत्री महोदय, 4 फरवरी ने शिथल ग्राम में पहुंचा और माँ को बहुत ही जोरदार स्वागत करे गयो। तो सुनावा थाने माँ को ज्ञानवर्धक भाषण। उनके जो व्यवहार, उनके संबंध, कौन सा टीचर बेटा पढ़ाता था, और विदा होने वाले बच्चों को कहना चाह रहा हूं, यदि 5 साल आप कठोर परिश्रम कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, पहले 5 साल यदि आप कठोर परिश्रम करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, 50 साल तक दुनिया आपके चैलेंज पर देखेगी, 50 साल तक दुनिया आपके तरफ देखेगी। और 5 साल यदि आपने मोबाइल में, टेलीविजन में फालतू की चीजों में समय खराब कर दिया, तो 50 साल तक आपको दुनिया की तरफ देखना पड़ेगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप मेहनत करेंगे, सफल होंगे, आपका भविष्य उज्जवल होगा। और गांव के लोगों से भी कहना चाहता हूं, सभी से, सारे पहले सुरक्षित है, इतना बड़ा भवन, इतनी बड़ी स्कूल, इतनी बड़ी जगह, यहाँ से पढ़ के खूब बहुत से लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पर गए हैं, की आपने यही से इतनी ली होगी, वहां से ली होगी, लेकिन यही से निकल के लोग बड़ी बड़ी, एक ही मुझे इतनी खुशी हो रही है कि जो गुरु हमें ठोकते थे, पीटते थे, मुर्दा बनाते थे, आज मैं उनको सम्मानित कर रहा हूं, मेरे गुरु को मैं सम्मानित कर रहा हूं। ये मेरे लिए इतनी बड़ी और मेरे गुरु के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है। माता पिता को अपने बच्चे को जो आगे बढ़ते हुए देखते जो खुशी होती है, उससे ज्यादा गुरु को खुशी होती है कि मेरा स्टूडेंट आज वहां जा रहा है। आज मनोज से ज्यादा खुशी गुरु जी, तंदुकी जी को मुझे देखते होते कि उनका स्टूडेंट आज मंत्री है राजस्थान सरकार में, बहुत बड़ी बात है। यदि आप आगे बढ़ोगे तो आपके जो टीचर है वो आप इतने ज्यादा, जैसे आज मेरे गुरु भूले नहीं समा रहे, वैसे आपके गुरु जो आज अध्यापक बैठे, जिंदगी में आप अच्छी जगह जाओगे तो बहुत खुश होगे। और यदि कोई भी स्टूडेंट अच्छी स्थिति में नहीं हो, अगर गुरु से वो मिलता है तो गुरु की आत्मा को बड़ी ठीस ठीस पहुंचती है, उसको दुख होता है कि बच्चा आज नहीं बढ़ पाया। तो मैं शीतल गांव के मेरे सभी बड़े और छोटे भाइयों को, बहनों को बताना चाह रहा हूं, आपके गांव के अंदर बरसों से एक मांग थी कि हमारे गांव के अंदर पीएससी बने। मैं ये बताते मुझे खुशी हो रही है, मैंने राजस्थान सरकार से, मुख्यमंत्री जी से अड़ के जिम करके एक साथ 3 पीएससी बजट में दी थी, अलग से घोषणा करवा के। आपके शीतल गांव की पीएससी है, आपके बजावा और भारतीय वाड़ी शीतल की पीएससी नॉर्म्स को पूरा नहीं कर रही थी, एक पीएससी से दूसरी पीएससी की दूरी 5 किलोमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, सीएससी का दायरा और भी ज्यादा हो जाता है। इस नियम को मैंने सिर्फ 2 जगह तोड़ा है, एक गुड़ा में, दूसरा शीतल में। और ये गांव 2.25 करोड़ रुपए आपके भवन के सेंसर है, डॉक्टर आपके आगे, आपके डॉक्टर आगे, जल्दी आपका भवन बन जाएगा। और एक गांव के अंदर मेरे से एक दो मांग और भी की थी, वेटनरी हॉस्पिटल के डॉक्टर की मांग भी की गई थी। यहाँ यदि आप लोग शीतल गांव के लोग ये चाहेंगे स्कूल को अपने पुराने गौरवशाली इतिहास को वापस दोहराए, ये स्कूल के अच्छे दिन वापस आए, तो मैं इस स्कूल को इंग्लिश मीडियम करा दूंगा अगले बजट में। लेकिन आप बच्चे नहीं भेजोगे तो क्या होगा, आपको बच्चे नहीं भेजोगे तो स्कूल क्या करेगा। इसमें मेरा प्रिंसिपल साहब से और आप इन लोगों से फिर मैं कोशिश करो, देखिए
आज के टाइम के अंदर बसों के अंदर जो लोग जाते हैं चक्कर निकालते हैं वो सारा माहौल उससे ज्यादा बढ़ गया। ये टीचर जो यहाँ विराज रहे हैं इनकी तनख्वाह और जिन बच्चों को आप प्राइवेट में भेज रहे हैं उनकी तनख्वाह का फर्क देखना कितना है। उन कंपटीशन में वो फेल हो गए थे उनके पास भेज रहे थे जाने पास हुए थे अपने बच्चे भेजने चाहिए मेरी समझ से। और ये पीली गाड़ी घर के पास आती है बच्चों को घुटाया झुंझुनू भेजते हो पता नहीं कौन कहां भेजते हो। मेरा आपसे है कि इसी को आप सारे लोग मिलके कमेटी बना के इसको ज्यादा ठीक कर सकते हैं। गांव में कोई सड़कों की बात है वो हम दोबारा और जगह कर लेंगे। आज शिक्षा का मामला आप सब लोगों ने बुला के मुझे मान सम्मान और आदर सत्कार दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके बीच में लेट पूछा विलंब से पूछा उसके लिए हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ सभी से। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सीनियर क्लास की 13 लड़कियां जो भी हो मंच पे आते विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों से निवेदन है कि वो भी मंच पे पहुंचे। मिनट थोड़ा सा रुकना भैया दौड़ आ रही है जल्दी से मैडम जल्दी से दौड़ते हुए बच्चे वो सीनियर वाले बच्चे बैठ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों की मनोकामनाएं आपने पूर्ण की सकारात्मक सोच के साथ आए और आज के कार्यक्रम के अंतिम आगाज के साथ सभी का गांव से पधारे हुए सभी दिव्यांगों का स्वागत और अभिनंदन। प्रोग्राम के अंतिम स्वरूप की ओर देते हुए हम मानव कल्याण के लिए एक मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वे हम फिर से आपसे गुहार करते हैं कि आप एक विषय का थोड़ा सा ध्यान इस ओर आकर्षित करें। रात का पूरा दिखा दे पूरा दिखा दे अरे क्या दिखा दे बोले पट्टू गैस इका नाम लियो इका बहुत शुरू भी दांत। तो दोस्तों वीडियो किसको लागो कमेंट में बतायो लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो।